हेलो एवरीवन, आज मैं ये पॉपकॉर्न लेके आई हूँ जो कि वो जो एक्ट का पॉपकॉर्न आता है ना रेडीमेड वाला, वो मैं नहीं लाके, मैं ये लेके आई हूँ। तो इसे आज बना के देखते हैं कि ये कैसा बनता है। और एक्ट वाले में थोड़ा ऑयल और मतलब ऑयल या फिर बटर जो होता है जो उसमें वो लोग डाल के देते हैं, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। तो इसमें चलिए हम बनाते हैं और देखते हैं कि कैसा बनता है। सो गाइज, इसमें जो है हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। और इवन के आप इसमें जो मैं डालूंगी ना, मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालूंगी। अगर आपको नहीं चाहिए ये सब तो आप टोटली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या चाहिए। और ऑयल तो मैं सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में ही कुकिंग करती हूँ, तो इसलिए मेरे पास मस्टर्ड ऑयल के अलावा और कुछ भी अवेलेबल नहीं है अभी, तो इसलिए मैं तो मस्टर्ड ऑयल ही डाली हूँ। आपके आपके पास अगर अगर आपको थोड़ा इसमें बटर टेस्ट चाहिए तो आप इसमें बटर डाल सकते हैं थोड़ा। और ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है जस्ट कि ये एकदम ड्राई ड्राई सा ना बने, इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। और अब ये जो पॉपकॉर्न है इसे हम डाल देंगे। एक्चुअली मुझे मस्टर्ड ऑयल का जो स्मेल होता है ना, वो मुझे एक्चुअली उस चीज़ का हैबिट हो गया है यू कैन से, तो इसलिए मुझे उतना स्मेल से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो आप रिफाइंड ऑयल या फिर बटर आप इसमें डाल सकते हैं। बस आई थिंक मेरे लिए सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए जितना काफ़ी है। और इसमें मैं डालूंगी, और ये देखिए, ये मैंने गैस के फ्लेम को बिल्कुल कम करके रखा है। अभी फटाफट से इसमें सॉल्ट भी डालना होगा क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो बस थोड़ा सा एक चुटकी के जैसा सॉल्ट डाला है मैंने इसमें। और ये जो रेड चिली पाउडर है, ये थोड़ा बिल्कुल मतलब कि जस्ट लिटिल बिट, इतना लिटिल बिट डाल रही हूँ मैं कि ये निकल ही नहीं रहा है। बस इतना काफ़ी है। मैं बहुत दिन से हल्दी मैं खाने में डाल ही नहीं रही थी, तो आज मैं ये हल्दी लेके आई हूँ याद से, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हल्दी मैं इसमें डाल देती हूँ। बस इतना काफ़ी है, इतना सा काफ़ी है। और अभी फटाफट इसको चलाते हैं। ये एक्चुअली हीट भी बहुत जल्दी हो जाता है। बस थोड़ा सा मैंने इसमें डाला सॉल्ट, मैं देखा मैंने बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी डाला है, आप हल्दी स्किप कर सकते हैं चाहें तो। और ये जो रेड चिली थोड़ा सा मैंने डाला है, वो भी आप स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ सॉल्ट में भी बना सकते हैं इसको। तो बस अब इसे, अभी इसके पहले कि फूटने लगे, आप अपने अपना जो कवर है ना वो आप रेडी करके रखें, क्योंकि अभी ये कभी भी वो स्टार्ट हो सकता है क्रैकल होना। बस अब मैं थोड़ा सा इसको मैं तेज़ कर रही हूँ। आई एम श्योर कि आप लोग सब भी इसे बनाते ही होंगे, जस्ट के जो एक्ट वाला पॉपकॉर्न आता है ना, एक्ट वो थोड़ा सा मतलब इजी होता है
बस आपने पैकेट डाला और फटाफट से आपको कुछ नहीं करना है और बस वो मतलब हो जाता है। अब देखिए ये अब होना स्टार्ट हो गया है, ये अब होना स्टार्ट हो गया है, इसमें से आवाज़ भी आ रहा है। तो मुझे इसके फ्लेम को सबसे पहले मैंने कम कर दिया है, ठीक है, ये देखिए। तो अब हम ओह माय गॉड, बस अब ये अपना काम खुद ही कर लेगा। बट जस्ट कि मेरा जो ये स्टील का कढ़ाई है ना, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा चला रही हूँ ताकि ये स्टिक नहीं हो। और आप इसके आंच को बिल्कुल कम कर दे, बिल्कुल कम, वरना ये जल जाएगा। इवन मैं श्योर भी नहीं हूँ कि ये स्टील के कढ़ाई में मतलब आई होप कि जले नहीं, क्योंकि पहले जब मैं ऐसे ये वाला पॉपकॉर्न जब मैं बनाती थी ना पहले, तो एलुमिनियम की जो होती है देगची या फिर कढ़ाई, उसमें ही मैं बनाती थी। अभी तो एल्युमिनियम मैंने पूरा डिस्कार्ड ही कर दिया है, सो दैट इज व्हाई। ये जो चलाने वाला पार्ट है ना, जो मैं चला रही हूँ, आप अगर आपने अच्छा खासा ऑयल दिया है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने ऑयल भी बहुत कम दिया है। इसलिए मैं इसे चलाती रह रही हूँ और आपको ये पता चल जाएगा ना कि ये जब हो गया है, मतलब जब ये रेडी है, तो ये जो फूटने की आवाज़ है वो बंद हो जाएगी। लाइक मेरे केस में अब उतना आवाज़ नहीं आ रहा, तो आई थिंक के थोड़ा सा चीटिंग भी कर लेते हैं, इसे खोल के देख लेते हैं। लेकिन अभी भी देखिए, ये अंदर वाली चीजें हो ही रही हैं अभी। इट्स नाइस एक्चुअली। उतना आवाज नहीं आ रहा है, मैं बस इसे थोड़ा सा तेज करूंगी कि अगर कुछ होने वाला है तो वो हो जाए। अब मैं इसे बंद कर दे रही हूँ क्योंकि आई कांट हियर मच के अंदर में और भी कुछ क्रैकल हो रहा है। सो बस ये हो गया हमारा पॉपकॉर्न और आप वो जो मैंने बताया एक्ट वाला, अगर आपको उसका ऑयल पसंद आता है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया कम ऑयल में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आप इसे एंजॉय करें चाय के साथ। बाय बाय।